हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो मैं यहाँ पर अभी चाय पानी का इंतज़ाम कर रही हूँ और इवनिंग का टाइम हो रहा है। आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। तो यहाँ पर मांटू का जो दूध है वो मैं मीठा कर रही हूँ, शक्कर डाल रही हूँ, हल्का सा गुनगुना कर दिया है क्योंकि उसको ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं है। और अपने लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय। तो चलिए चाय बनाते हैं, दूध दे करके आते हैं मांटू को और फिर आप लोगों से बातें करते हैं। आज मैंने अपने बालों को कंघी नहीं किया था, मतलब नहा ली थी और थक गई थी तो फिर बहुत थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। अभी भी जो है मैं बाल अपने कंघी कर रही हूँ, वही हल्का सा बिंदी लगाना, हल्की सी लिपस्टिक लगानी और छोटी सी बिंदी लगानी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और आज दिन है सैटरडे और मेरे फेस पे चमक आ रही है, क्या शाइनिंग आ रही है भाई? एक और लाइट चला के देखो। हाँ आ रहा है, ग्लो आ रहा है, ग्लो। और आज का वीडियो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, आज थोड़ा सा फुर्सत से हूँ तो मैंने सोचा चलिए आज का जो वीडियो है ना वो भी फुर्सत से ही बनाते हैं, कोई भागम भाग नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, अच्छे से सुकून से बैठ करके आज वीडियो बनाऊँगी। इसीलिए मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। और आज जो है ये गए थे दिल्ली, और दिल्ली में थोड़ा सा काम था इनका, वो सारा अपना ये काम फिनिश करके आए हैं। अभी मांटू को लेकर के गए हैं थोड़ा सा बाहर, वो बोर हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, तो यहीं पर आसपास के उसमें उसको थोड़ा सा टहलाने के लिए लेकर के गए हैं कि मन सा थोड़ा सा और हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन से घर में बंद बंद है। एकदम से हुआ है ना, बच्चे चले गए तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों का हम समझ सकते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो खेलने कूदना मस्ती करना ये सब कुछ करने के लिए ही मतलब वो होते हैं, उनसे नहीं बैठा जाता। आदत है मांटू रह लेती है अकेली, पर वही है अभी थोड़ा सा बहुत दिनों से बच्चों के बीच में ही है ना, काफ़ी टाइम घर रही फिर यहाँ आई फिर बच्चे, तो काफ़ी दिन से अपना अच्छा चल रहा था उसका। और आज जो है पनीर लेकर के आए हैं, कह रहे हैं प्रिया आज पनीर बना, काफ़ी टाइम हो गया है पनीर की सब्ज़ी नहीं खाई है तो मैं बनाऊंगी आज मटर पनीर। मैंने चाय वाय पी और चाय जैसे ही मैं पी करके बैठी तुरंत ही आ गए। मैंने कहा फ़ोन करके, मैं इसलिए मैं पूछी थी 10 मिनट पहले मैंने इनके पास में फ़ोन किया, मैंने कहा आ रहे हो अभी? कह रहे नहीं अभी मुझे घंटा एक लग जाएगा। मैंने अपनी चाय बना करके पी ली, फिर 5 मिनट बाद ही आ गए, यहीं थे आसपास में, कहीं मेरा पागल खींच दिया बेफालतू। मैंने कहा अब ले लो तुम चाय। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, मैं सोच रही हूँ पहले वही आ जाए, अकेली हूँ ना थोड़ा सा अच्छा ऐसा नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ कि दोनों आ जाएं तभी अपना किचन में जाऊँ। सारा काम फिनिश है, फुर्सत से हूँ बिल्कुल। और मेरा ना एक वो छोटे वाला जो पौधा था ना वो बच्चों ने ना उखाड़ करके रखा हुआ था, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये छोटू सा पौधा ना इन्होंने बच्चों ने निकाल के रख दिया और मैंने आज ही इसको देखा, इसके पत्ते मुरझा सी रहे थे। मैंने लगाया तो है इसको, मिट्टी विट्टी डाल करके दाब के देखा तो है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पौधे का ना बच्चों ने वो कर दिया, सारे पत्ते इसके मुरझा गए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ना जब पौधे मुरझाते हैं या सूख जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो
मुझे बनाना है मटर पनीर, उसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा पनीर चंचल के लिए भी लेकर के आए हैं, क्योंकि उसको भी पनीर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर पनीर का सारा मसाला, प्याज, टमाटर कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि सब्जी को छोंक लगाने में टाइम नहीं लगता है। अगर उसका प्रॉपर सारा जो है छोंक का सामान, यानी कि सारे मसाले आप जल्दी से पहले ही तैयार करके रख लो। तो प्याज मैंने कट कर दी है, टमाटर की प्यूरी बना लूँगी, और अभी मुझे मटर भी छीलने हैं। तो चलिए झटपट से आज बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम हो गया है और मैं साथ के साथ में अपना किचन का भी क्लीनिंग का काम करती रहती हूँ। ये नहीं है कि बहुत ही गंदा करके छोड़ दूँ खाना बनाते हुए। जो भी काम करती हूँ साथ के साथ में अपना किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। उसके इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाद के लिए आपके पास में काम जो है वो कम रह जाता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। आइसक्रीम खाई आपने? चाय? आइसक्रीम? आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम जरा कटोरी लाकर उसको दो जरा से। आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम? हाँ देखा, अभी मैं डाल दूंगी कढ़ाई में तेल, क्योंकि सरसों का तेल है तो थोड़ा सा गरम करके ही उसमें जो है वो छोंक डालना चाहिए। तो घर का तेल है, उसमें भी वैसे भी बहुत ज़्यादा ही मतलब वो होती है, तो उसे को अच्छे से पका लूँगी। और मैं मटर छीलना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं अभी मटर छील रही हूँ, और बहुत सारे मटर तो ना इसमें से मतलब ख़राब ही निकल गए। तो तेल गरम होते ही मैंने डाल दिया है इसमें जीरा, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें हींग, और बस वो डालने के बाद में फिर मैंने डाल दिया इसमें प्याज। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन सा कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाती हूँ मैं, ये नहीं है कि बिल्कुल उसको लाल कर देना है, हल्का हल्का सा पिंक पिंक सा कलर आ जाता है, तो बस इतना ही इनफ है। और बस फिर मैंने इसमें डाल दी थी टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद में जो सारे सूखे मसाले हैं वो डाल दिया है। थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च, और दो तीन मैंने हरी मिर्च काट करके रखी हुई थी वो भी डाल दी है। और बस मसाला पकने के बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिया है
मटर, क्योंकि मटर को भी पकने में टाइम लगता है। मटर पकते ही मैंने इसमें जो है सॉफ्ट हो गई थी मतलब मटर, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं पनीर जो कि मैंने कट करके रखा हुआ था। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ कि आप पनीर को फ्राई नहीं करते हो क्या, तो जी नहीं, मुझे पनीर फ्राई करके बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, कोई नहीं खाता है हमारे घर में फ्राई करके, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर आटा, तो देखिए मैं आटा लगाती हूँ मतलब अगर किसी को सीखना है तो कि मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं आटा लगाती हूँ। और जो जिस चीज़ में मैं आटा लगाती हूँ वो मतलब ये नहीं है कि बहुत ही गंदा हो गया, चिपक गया उस पर, जी नहीं, आटा भी बहुत तरीके से लगाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें घी का हाथ लगा करके रख दिया है, उससे रोटी जो है बहुत अच्छी आती है। सब्जी मेरी बन करके तैयार हो गई है, आटा भी मेरा रेडी है। पी ले करो पानी, दिक्कत नहीं होती ऐसा पानी पीने में, गिलास से अच्छा पिया जा। तो अभी जो है सब्जी बना ली है, आटा भी लगा करके रख दिया है, बस रोटी बनानी है। ठंडा ही नहीं था, ठंडा इज नॉट गुड, गर्मी लग रही, गर्म पानी दे दिया मुझे, ठंडा इज नॉट गुड, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। एक पंखा अगर यहाँ लग जाता ना यहाँ, तो रसोई तक हवा जाया करती। यो पंखा यो यहाँ ऐसी जगह लगा दिया, यो बस यहीं आवे और वहाँ तक कहीं भी हवा नहीं। बुलाओ अंशुल, अंशुल को क्या एक पंखा और लगेगा, यहाँ वहाँ लग जा हाल, ये बीच में भी तो एक भी फूल नहीं टी शर्ट ही नहीं रखी। कॉमेडी हो गई, कॉमेडी हो गई, कॉमेडी हो गई। अच्छी नहीं है, गर्मी लग रही बहुत, थक भी तो गए ना सुबह से निकले, मोटरसाइकिल। चंचू मैया की मस्ती देखी है आपने, पनीर चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मतलब चटपटी चीज चाहिए, अब बताओ। अब इनकी फरमाई से कैसे पूरी हूँ, तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई, हाँ इंसान से बन गए तुम, वरना लॉकडाउन में तुम्हारे भी लॉकडाउन हो रखी थी। तो खेत में काम कर करके अंदर ज़्यादा खराब हो, ज़्यादा ही खराब हो रही थी, ज़्यादा ही खस्ता हो रखी थी, मुझे तो ये पहचान में भी नहीं आया। देखो मोटरसाइकिल में देखो हाथ जल के कैसे हो, वही हिस्सा एकदम ब्लैक हो गया, ये वैसे भी ब्लैक ही है थोड़ा सा ना, इनका कलर है सांवला सांवला सा, देखो मेरा रंग कितना सांवला। कोई बात नहीं, सांवले लोग भी अच्छे होते हैं। खूबसूरती कहाँ होती है, इंसान के दिल में, ना कि सूरत में, जनाब क्या से नहीं सीरत से। हाँ सही पकड़े हैं, हमेशा खूबसूरत है, तो इसका मतलब तुम खूबसूरत हो। नहीं मैं तो नहीं, यार इस बात पॉइंट मार रहे हो, पॉइंट मार रहे हो, अपने आप को खूबसूरत बता रहे हो, आए हाय शर्मा के सही, ऐसे नहीं। चलो इन्हें भूख लग रही, कह रहे बात बना रही, बातों से पेट नहीं भरेगा, अरे बाबा खाने से भरेगा, रोटी बनाओ पहले। चलिए फिर पहले रोटी बना लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल फिर भी मौसम जो था ठीक था थोड़ा, पर आज फिर हालत ख़राब हो रही है गर्मी में। और अभी जो है सारे कपड़े वपड़े अच्छे से सूखे नहीं थी, मांटी तो ना ही है दोबारा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और तो अभी आप लोगों से करनी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात, जो कि कल रह गई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे थे करने का, और बहुत दिन से मैं बोल भी रही हूँ कि कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। और तो हमने कुछ सोचा है, तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए,
गुड न्यूज़ बहुत सारी हैं, पर एक एक करके आप लोगों के सामने रिवील की जाएगी। और कुछ लोग बोला है उसमें, मैं जैसे मुझे पता था कि बोलेंगे ज़रूर कि सस्पेंस रखती है। हम कितने दिन से जो आज हम बात करेंगे, कितने दिन से हमारा उस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, बहुत लंबे समय से हम उस बारे में प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे थे, बट फिर वही था कि कोई चीज़ कमिट करेंगे और पूरा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तो वही है ना, सोच समझ के कोई चीज़ करें, पहले ही सोच लें कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो ही करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे, तो वही बात है। हाँ, तो अभी जो है जो गुड न्यूज़ है, बहुत जो मेरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं और जो मतलब खुश होंगे हमारी खुशी में, उन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ ये है, ये सरप्राइज़ आप लोगों के लिए ही है। तो हमारा जो है वो सेकंड चैनल हम बना रहे हैं एक, और बना हुआ है चैनल ऑलरेडी से बना हुआ है, और उस पर वीडियो भी है, पर अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, सीधा आप लोगों के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका लिंक विंक कम्युनिटी पर मैं सब कुछ शेयर करूंगी। अब से दो ढाई महीने पहले, दो ढाई महीने हो गए होंगे ना, दो ढाई महीने पहले मैंने वो चैनल बनाया था, उस पर तीन चार वीडियोस भी है, बट तब नहीं सोचा था उसको कंटिन्यू करने का, पर अब सोच रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ दिमाग में भी खुरापात सी चल रही है आप लोगों को कुछ नया देने का। ये मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि उस चैनल पर आएगा क्या, पर जो भी आएगा ना उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं कंटेंट, हाँ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उस पर व्लॉग नहीं आएगा, व्लोग ये बात क्लियर है कि उस पर व्लॉग नहीं आएगा, व्लॉग चैनल मेरा यही है और यही रहेगा, उस पर व्लॉग नहीं आएगा, बट जो भी आएगा उस पर उसे देख करके शायद आप लोग खुश हो जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भैया का कर दीजिए, और तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े वाला सरप्राइज़ है जो कि आप लोगों को एक दो दिन में पता ही चल जाएगा। जब भी उस पर वीडियो आनी होगी तो मैं इस चैनल पर, इसकी कम्युनिटी पर उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग, ज़्यादातर लोग तो खुश ही होंगे, एक दो ही लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही थी, और अभी तक फाइनल नहीं हो पाया था, हम कितने ही दिन से इस चीज़ का वो कर रहे थे, फिर चैनल बनाने का आया, फिर हमने सोचा चैनल तो है उसी को कंटिन्यू करते हैं। मांटू ने भी सोचा था कि उसको मैं अपना चैनल बना लूं, है ना, क्योंकि मांटू को चैलेंज करना बहुत पसंद है, पर बच्चों के लिए भी पढ़ाई ही ठीक है, अभी तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, मेरी वाट लग जाती है ना चैलेंज, चैलेंज में वो पापा के साथ में ही करती चैनल, चैलेंज 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 कर रहे थे। तो फाइनली कुछ नया देखने के लिए तैयार हो जाइए, और इस पर, इस वाले चैनल पर भी व्लॉग के मतलब मैं जो हूँ अपनी वो और कुछ करने का सोच रही हूँ, मतलब व्लॉग के साथ में भी आपको एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा व्लॉग बना करके देने की उसमें हूँ मैं, कि आपके पास तक जो व्लॉग पहुँचे ना तो आप उससे कुछ सीखो, बोर ना हो, बक बक ना सुनो आप मेरी। देखिए कुछ लोगों को बात कर सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो कमेंट भी करते हैं कि दीदी जब आप बात करते हो तो अच्छा लगता है, आप बात किया करें, भैया की बातें सुनना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, टोकते भी हो मुझे कि भैया को बोलने ही नहीं देते, अपने पति को तो बोलने ही नहीं देती बिल्कुल भी, बोल लो तुम भी कुछ वरना फिर कमेंट आएंगे। नहीं अभी मैं थोड़ा सा मतलब चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं दिमाग में, और ज़रूर अभी मतलब जब नया चैनल आएगा तो कोशिश करेंगे कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेके आए, बिल्कुल व्लॉग से हटकर, व्लॉग से हटके थोड़ा कोशिश करेंगे, मतलब हम लोग क्योंकि कई बार चीज़ें प्लान करते हैं हो नहीं पाती, पर कोशिश कर रहे हैं व्लॉग से थोड़ा हटके कुछ अलग आपको हम दिखा पाएँ, क्योंकि आपका जो समय हम लेते हैं उसमें, समय में आप खुश हों उस देख के आपको अच्छा लगे, और इस पर व्लॉग भी, एक मिनट सॉरी बात काट रही हूँ मैं, इस पर व्लॉग में भी आपकी, मेरे जो व्लॉग की क्वालिटी है वो मैं बढ़ाने वाली हूँ इस पर भी। व्लॉग्स को हम पता नहीं मतलब, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, कोशिश करते हैं आदमी, है ना, कोशिश करता है आदमी के मतलब वो जो है अपने व्यूवर्स को अच्छा दिखाए, लेकिन क्योंकि घर के अंदर चार दीवारी में रह करके हमेशा अच्छा ही हो ये बहुत प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। आप अच्छा खाना रोज़ बनाते होंगे, बनाती होंगी, है ना, लेकिन रोज़ आज से बेहतर रोज़ बने ये हर दिन संभव हो नहीं पाता, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक सीमा है अच्छा होने की, तो हमेशा हम तो चाहते हैं कि अच्छा जाए,
और अच्छा जाए, लेकिन वो पता नहीं किस दिन तक आपको अच्छा लग रहा है, किस दिन वही चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसा कई बार होता है कि पनीर लगातार खाओ तो पनीर फिर क्या मन करता है कि हम आलू टमाटर खा लेते हैं, चलो वो आलू टमाटर इसलिए मैंने मुझे पसंद है तो वो बात ज़रूर आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है ना, लेकिन जब ये वीडियो बनाती है प्रिया बहुत मेहनत करती है, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से मुझसे कई बार पूछती है ये बनाऊँ ये ठीक रहेगा, मतलब हाँ अच्छा है, मैं हमेशा यस बोलता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचने में इनकी खुद की मेहनत है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं इस बात को लिटरली बोलता हूँ। तो वो जो करती हैं मेरे से ज़्यादा ओपिनियन अच्छा उनका है, वो जानती हैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी जो शायद आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि आपको कोई गलत चीज़ दिखाई जाए या गलत चीज़ वन टू भी वो कर रही हाथ से वह रुक जाओ वहाँ, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा करें, लेकिन कई बार अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं सभी साथियों से जो अच्छे कमेंट करते हैं जो बुरे करते हैं सभी से। तो जहाँ भी हमसे गलती होती है ज़रूर हम कोशिश करते हैं सुधारें और आगे कोशिश करेंगे कि और सुधारें, ठीक है जी। अच्छा नए चैनल पे मिलेंगे आपसे हम जल्दी नई चैनल पे, अभी कुछ नहीं पता, रात रात में भी मूड बदल सके हमारा कुछ नहीं पता, अभी हमने पर आप लोगों को बता दिया कि हाँ। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वैसे तो बहुत मुश्किल होगा फिर उसमें से चुनाव कर पाना, लेकिन फिर भी आप लोग सुझाव दें क्या नाम रखें, लेकिन ऐसा कोई नाम मत सजेस्ट कीजिए ऑलरेडी किसी के चैनल का हो, क्योंकि फिर वो बहुत तरह के आरोप लगने लगते हैं, लोग कुछ भी वीडियो बनाने लगते हैं, डीफेम करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, हम किसी विवाद में पढ़ना नहीं चाहते। कोई ऐसा नाम जो आपको लगता है अलग हो अच्छा हो, हाँ, और गाँव के लोग हैं सिंपल लोग हैं, तो अगर सिंपल होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ क्योंकि बहुत सारे नाम कल आएंगे ऐसा बोलने के बाद, तो अगर हम किसी एक का चुने बाकी लोगों का छूट जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप सबके मतलब उस चीज़ की वैल्यू करेंगे जो आप हमें सजेस्ट करेंगे, और उसमें से कोई एक नाम अगर फिट बैठता है जो आसान हो सबको अच्छा लगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कोई एक नाम चुन लें, और यदि किसी का भी नहीं चुना जाता तो उसके लिए अभी से माफ़ी चाहते हैं। इंटेंशन क्योंकि एक ही नाम हो सकता है चैनल का तो थोड़ा सा आई होप आप समझेंगे चीज़ों को। हाँ समझ गए। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगले दिन फिर आएंगे एक अच्छा सा व्लॉग लेकर के आप लोगों के लिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुड नाइट बाय बाय। और अगर दूसरा चैनल बनाना आप लोगों को ना अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि मत बनाओ है ना, अगर आप नहीं चाहते कि हम सेकंड चैनल जो है वो अपना बनाए, पर वो बिल्कुल अलग होगा, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं होगा, ये मेरा अलग है वो अलग ही होगा बिल्कुल, उसका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगर किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा सेकंड चैनल बनाना तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा पक्का तभी होगा जब कल आप लोग कमेंट करोगे और हमें बताओगे। और दूसरी चीज़ अगर आप कंटेंट भी सुधारना चाहते हैं किस तरह का क्या चीज़ करें तो भी वो भी आप राय दे सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, पर व्लॉग नहीं होगा, बस ये है व्लॉग नहीं जाएगा उस चैनल पर, कोशिश करेंगे हम व्लॉग नहीं डालने, कुछ हटके दिखाएं, कुछ हटके है ना, वो कुछ हटके मतलब वही हमारी डेली लाइफ का ही होगा, ऐसा भी कुछ नहीं कि हम जाके मतलब हाँ कुतुब मीनार के ऊपर बैठ के जाके कि भैया हटके करना है, रहते हैं वो घर के अंदर की चीजें ही आपको, पर हाँ कुछ अलग एक्टिविटीज करेंगे, मतलब थोड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट भी उसमें, हाँ कुछ भी हो सकता है, आप मतलब सजेस्ट भी कर सकते हैं कंटेंट। तो चलिए बहुत सारी बातचीत हो गई है, मिलेंगे आप लोगों से अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।